यहाँ पे जो अपडेट लिखा है इस पे क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। तो गाइस ये हमारा ऊपर सबसे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारा जो ऐप है वो अपडेट होने लगा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको कोई भी एप्लीकेशन कैसे अपडेट करते हैं या फ़ोन कैसे अपडेट करते हैं। गाइस जब हम फ़ोन नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें कुछ अलग फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उस फ़ोन में अपडेट आ जाते हैं तो हमें उन्हें अपडेट करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में गाइस हम आपको सारे ऐप्स और फ़ोन अपडेट करके बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे जो आपकी प्ले स्टोर होती है हमें उसके अंदर चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा ईमेल आईडी होता है ऊपर तरफ, तो हमें इस पे ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको मैनेज एप्स एंड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पे गाइस अपडेट अवेलेबल लिखा है तो हमें इस पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स देखनी है, अगर आपको एक एक करके छांट के एप्स अपडेट करने हैं तो आप यहाँ से छांट के अपडेट कर सकते हैं। और गाइस अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप अपडेट ऑल पे क्लिक करके आप अपने सारे ऐप्स अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल में हम यहाँ अंदर चलते हैं, एक एक से अपडेट करके बताते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद गाइस हमारे जो इतने सारे ऐप्स हैं इन सब का अपडेट होना है, अपडेट इनको करना है। तो गाइस अपडेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे जो अपडेट लिखा है हमें इस पे क्लिक कर देना होता है। तो जैसा कि हमने इस पे ये अपडेट पे क्लिक कर दिया है, तो गाइस यहाँ पे सबसे ऊपर जिस पे हमने क्लिक किया है वो अपडेट होने लगेगा। और गाइस कुछ ही सेकंड में ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो जाएगा। 1, 2, 5, 10 या आधा मिनट में हमारा जो एप्लीकेशन है वो अपडेट हो जाएगा। सो गाइस हमारा ये एप्लीकेशन है वो अपडेट हो चुका है। उसके बाद गाइस 1 या 2 या 5 सेकंड बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस इसी तरह से हम अपने सारे जो एप्लीकेशन है वो अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे इंस्टॉल होने दें, उसके बाद गाइस हम आपको बताते हैं कि और बाकी के सारे कैसे अपडेट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपडेट ऑल का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो सारे एप्लीकेशन हैं वो एक साथ अपडेट हो जाएंगे। और गाइस अगर इनको आपको कैंसिल करना है तो यहीं पे कैंसिल ऑल लिखा आता है। चलिए हम आपको एक और ऐप अपडेट करके बताते हैं। तो जैसा कि गाइस हमें ये एप्लीकेशन अपडेट करना है तो हमने इस अपडेट पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद गाइस जो हमारा पहला एप्लीकेशन था वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद गाइस हमारा ये जो दूसरा एप्लीकेशन है वो अपडेट होने लगेगा। तो हमारा पहला एप्लीकेशन अपडेट और इंस्टॉल हो चुका है। अब ये दूसरा एप्लीकेशन पेंडिंग में लग गया है, मतलब अपडेट होने लगा है। उसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया, अगर आपको कैंसिल करना है इसे तो आप कैंसिल ऑल पे क्लिक करके इसे या सारे एप्लीकेशन को अपडेट करने से रोक सकते हैं। अगर आपको एक एप्लीकेशन अपडेट करने से रोकना है तो आप इस पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को अपडेट होने से रोक सकते हैं। सो गाइस आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे अपडेट करते हैं। उसके बाद गाइस एक और ऑप्शन या एक और अपडेट आता है, तो गाइस वो हो गई फ़ोन का अपडेट। गाइस फ़ोन का अपडेट देखिए, जब हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में देखिए ये लिखा आता है कि अपडेट, मतलब फ़ोन को अपडेट कैसे करें। तो गाइस हमें सबसे पहले इसके अंदर जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइस देखिए यहाँ पे एक दूसरा वर्जन आ गया है इसका, इस मॉडल का। तो गाइस हमें इस अपडेट पे क्लिक कर देना है तो हमारा जो ये फ़ोन है वो अपडेट होने लगेगा। तो गाइस
अभी हमें इसको अपडेट नहीं करना है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। इसमें गाइस ज़्यादा डाटा खर्च हो जाता है, या तो 1 GB 2 GB तक इसमें डाटा आपका चला जाएगा, तो हमारे पास इतना अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल में हमने आपको सारे एप्लीकेशन अपडेट करके बता दिए हैं, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और गाइस अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।